आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन सही हिसाब से बोला गया कि आपको रिलेशनशिप बिटवीन जो है इक्विवेलेंट एंड मोलर कंडक्टेंस होता है ऑफ अ गिवन सॉल्यूशन, उनके बीच में बताना है कि क्या रिलेशन होगा। राइट, सो देखो, सबसे पहले तो इंडिविजुअली देखते हैं। अगर मैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की बात करती हूँ सॉल्यूशन की, सो वो इक्वल होती है आपकी कापा। अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ, सो देखो, ये आपकी इक्वल होती है कापा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय नॉर्मैलिटी है। राइट, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ नॉर्मैलिटी लेते हैं। राइट, और यहाँ पे मोलर कंडक्टेंस होती है, सो कापा बेसिकली स्पेसिफिक कंडक्टेंस है। राइट, सो कापा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय क्या होता है, मोलैरिटी होता है। फाइन, अब इन दोनों के बीच में रिलेशन लेना है तो मैं क्या करती हूँ, देखो नॉर्मैलिटी और मोलैरिटी के बीच में रिलेशन पता होना चाहिए। नॉर्मैलिटी होती है आपकी इक्वल होती है मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर के। फाइन, एन फैक्टर होता है कि बेसिकली वो डिपेंड करता है, मतलब हम एन फैक्टर जो होती है बेसिकली बैलेंस ही होती है। फाइन, क्लियर। अब अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ, सो मैं नॉर्मैलिटी की जगह आपका यहाँ पर एम इंटू एन फैक्टर भी ले सकती हूँ। फाइन, सो मैं इनके बीच में रिलेशन निकालूंगी। सो मैं ये बोलूँगी लैम्डा इक्विवेलेंट बाय लैम्डा मोलैरिटी जो होगा ये आपका किसके इक्वल होने वाला है। देखो मेरे पास क्या है, आपका कापा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। राइट, सो मेरे को जस्ट डिवाइड करना है, इंटू मोलैरिटी ऊपर आ जाएगा और कापा इंटू 1000 यहाँ पर आएगा। राइट, सो ये आपका कट जाएगा। राइट, सो मैं यहाँ से ये कह सकती हूँ कि मेरा मोलर कंडक्टेंस जो होती है वो एन फैक्टर इंटू लैम्डा इक्विवेलेंट की होती है, इक्वल होती है। राइट, सो ये हमारे पास रिलेशन निकल कर आने वाला है। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।